दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का है ना, हमें सबूत देख के ही समझ में आती हैं चीज़ें। जब तक हम सबूत नहीं देखते ना, तब तक हमें जो सामने दिखता है केवल हम उसी को सच समझते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको है ना बहुत ज़्यादा आपका दिमाग विकसित कर सकती है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं इनको आपको आज के टाइम में ज़रूर समझना चाहिए। आज अगर नहीं समझेंगे तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको दिक्कत जरूर हो। दोस्तों, आज के टाइम में हम कहते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग के एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, जिनको कि हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के गॉड भी हैं। उनकी टीम में से भी दो तीन लोग कुछ दिन पहले फिनफिनित में गए हैं। अच्छे खासे लीडर थे, ऐसा नहीं है कि नाम के मोहताज हैं, ठीक ठाक लीडर थे, नाम उनका जाना पहचाना था, लेकिन किसी भी चीज़ की वजह से उन्होंने टीम छोड़ी। तो दोस्तों, इस बड़े लीडर की टीम छोड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा तो संदेह डालती थी। लेकिन दोस्तों, जब मैंने एक पोस्ट पढ़ी और उस पोस्ट पे कई लोगों के कमेंट पड़े, तो ये संदेह है ना पूरा दोस्तों सच हो गया। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही चीजें दिखाने जा रहा हूँ, समझिएगा जरूर इस पोस्ट को। दोस्तों, ये है कोई बंदे संदीप जी, ये बोलते हैं कि यार ये लोग एयर प्योरीफायर वाटर प्योरीफायर दिलवाते हैं, वही करते हैं, और फिर आरटीपी के पैसे भी हमसे लेते हैं, रेडिसन ब्लू में आरटीपी रखते हैं उसके पैसे भी हमसे लेते हैं, हमें तो 20,000 का होटल पड़ जाता है, क्योंकि होटल में ये लोग आरटीपी करते हैं, बड़े बड़े होटल में। छोटी चीज़ें तो इनको समझ ही नहीं आती, इनको समझ आएंगी ही नहीं। तो 18,500 का प्योरीफायर, 1,500 रुपये की आरटीपी, बंदा कह रहा है कि मुझे 20,000 का पड़ जाता है, मैं तो कर्जे में डूब जाता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इन चीज़ों पर देखिए, जो नीचे कमेंट है, इन दो लोगों के जो कमेंट है ना, ये नाम के मोहताज नहीं है। पहले ये उसी लीडर की टीम में थे जिसको आप बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, जिनको आप कहते हैं बहुत बढ़िया बंदे हैं, उनकी टीम में से ये दोनों लोग आए हैं। और इन दोनों का रिप्लाई पढ़ लीजिए, ये खुद ही कहते हैं कि भाई भाई सारी चीज़ें मत बताओ, बेड़ियाँ तोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया। यानी कि अभी तक ये जिस टीम में थे वहाँ पे ये लोग बेड़ियों में बंधे हुए थे, ये मान रहे हैं। आप ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि बेड़ियाँ तोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है, इसका मतलब ये लोग भी बेड़ियाँ तोड़कर ही आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, इसी बात पे कोई एक तेज प्रताप है, वो मजे लेते हुए बोलते हैं कि भाई उसने भी दो लोगों के नाम मेंशन किए और बोला कि जैसे ये लोग बेड़ियाँ तोड़कर आगे बढ़ गए हैं ऐसे ही बढ़ना चाहिए। तो अच्छा लिखा उन्होंने, मुझे उस कमेंट को देखकर बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, यही हो रहा है, ये लोग है ना अपनी अपनी बेड़ियाँ तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों को बेड़ियों में डाल रहे हैं। आप लोग अभी आज के टाइम में नहीं समझ रहे हो, क्योंकि देखो, कोई अगर बंदा बोलने में अच्छा है, शब्दों की चाशनी को अगर वो घुमा के मारना जानता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो लीडर भी अच्छा हो। लीडर का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग में जो कि डुप्लीकेशन अच्छा कर रहा है, आपको ग्रो अच्छा करवा रहा है। ऐसा तो बहुत कम लोगों को वो करवा रहे हैं ना, जिन लोगों का आज के टाइम में एग्जाम्पल दे रहे हैं वो उनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। जो कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही है ना, कुछ लोग तो उनमें से भी होंगे जो कुछ कम टाइम से जुड़े हुए होंगे, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, मैक्सिमम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? नेटवर्क मार्केटिंग में तो बंदे इसीलिए आते हैं ना कि मैक्सिमम लोग ग्रो करें, मैक्सिमम लोग तो नहीं कर पा रहे, वहाँ पे भी मिनिमम लोग क्यों कर पा रहे हैं? परसेंटेज का रेशियो वही क्यों है जो कि बाहर मार्केट में होता है? जब हम कहते हैं कि बाहर तो लोग सफल नहीं हो रहे, यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे भी परसेंटेज कम क्यों है? दोस्तों, इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि इतने साल लगाने के बाद भी, और जो ये इतने बड़े लीडर हैं जिनके लिए आप बोलते हो, वो भी इतने टाइम लगाने के बाद भी आज तक नेटवर्क मार्केटिंग का जो ज्वाइन होते हैं लोग, उनका परसेंटेज का रेशियो क्यों नहीं सुधार पा रहे, और कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे? तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका जो बेल आइकन का बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले हर पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।